नाज़रीन, अभी हम जा रहे हैं मरकज की तरफ आपको लेकर, जो मरकजी जो है, क्या नाम है उसका, मरकजी ऑफिस है तहरीक लंबाई पाकिस्तान का। तो आज आपको पता है लाहौर में बारिश भी हुई है और दीगर जगहों पर बारिशें तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यही हम जा रहे हैं आपको जाके आगे चलाते हैं तहरीक लंबाई पाकिस्तान का ऑफिस। हाँ, ये अब जरा रोशनी हो गई है, किचन भी है, मतलब अगर आते हैं रहने के लिए तो खुद ही अपना खा पका कर हम जो है वो कर सकते हैं। वाह जी वाह, ये बड़ा अच्छा बना हुआ है जी, बर्तन भी पहले से मौजूद हैं। शायद ये तो मुझे घरेलू बर्तन लग रहे हैं, ये कोई माशाल्लाह जी माशाल्लाह, यानी घर के बर्तन ही यहाँ पर रखे हुए, ये नहीं है कि बाहर के लोग आए तो वो उनको बाहर की चीजें दें, घर से ला के रखे माशाल्लाह। ये कमरा है, ये भी काफी बड़ा है और साथ अटैच बाथरूम है जी। ट्रेन यहाँ से ये व्यू देखें जी भाई। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो घर है आपने अभी देखा है, ये सैयद नजीर शाह साहब का है, ये हमारे बिल्कुल करीब में रहते हैं, ये हमारा घर है। छत से जाके अभी लाइट की मतलब ऊपर अंधेरा है, मैंने वो दिखा नहीं सकता आपको। तो ये है कि सैयद नजीर शाह साहब ने अपना घर तहरीक लबैक पाकिस्तान, वो हमारे इधर लाहौर के अमीर भी हैं, जिले अमीर है, और ये हमारे घर के बिल्कुल साथ वाले घर उनका, तकरीबन एक दरमियान में गली आती है, फिर दो तीन घर छोड़कर उसके आगे वाली जो मस्जिद है, मस्जिद के साथ ही घर है। और मस्जिद तहरीके मतलब आप दे चेक करें कि मस्जिद के जो जिम्मेदारान हैं वो तहरीके लबैक पाकिस्तान के हैं, और जो मस्जिद के अंदर इमाम साहब हैं और जिनकी सारी टीम वहाँ पर वर्क कर रही है, जो वहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं इस्लाम के लिए, वो दावत इस्लामी वाले हैं। ठीक है, वो दावत इस्लामी वाले हैं। जामिया मस्जिद आमिना के नेम से मस्जिद बनाई गई है, जिसकी जगह जो है तहरीके लबैक पाकिस्तान वालों ने दी। वहाँ पर जो लोग इमामत कर रहे हैं, वहाँ पर जो महफिलें होती हैं, वो तहरीके आप कह लेंगे दावत इस्लामी वालों के ज़ेरे अहतमाम, और इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कि हर दिन शहदा का कोई दिन हो मस्जिद में महफिल होगी, ज़रूर होगी। इतवार वाला दिन हो, इतवार वाले दिन असर के बाद वहाँ पर महफिल होगी, ज़रूर होती है, दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, और कारी साहब जो हैं दावत इस्लामी के हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे बयान करते हैं, बहुत अच्छे बयान करते हैं। लाइक इस तरह से हर दिन जो है ना, सहाबा इकराम की इज्जत व तकरीम के हवाले से हो, औलिया इकराम बुजुर्गाने दीन के हवाले से हो, हर दिन जो है मस्जिद में जो है महफिल का अहतमाम किया जाता है। वो शाह साहब हैं जिन्होंने अब जो है तहरीके लबैक पाकिस्तान को, जो मैंने अभी घर दिखाया है, ये घर तो हमारे साथ ही इनका घर है, लेकिन ये वाला घर नहीं इन्होंने किया क्योंकि यहाँ पर खुद रिहाइश है, लेकिन शाह साहब ने अपना जो आप कह लें कि बिजनेस साइट है, जो इनकी बिजनेस साइट की जो जगह है, उन्होंने वो खाली करवा कर तहरीके लबैक पाकिस्तान के लिए वो वक्फ कर दी। क्योंकि पहले तहरीके लबैक पाकिस्तान का दफ्तर जो है, मरकजी दफ्तर, वो सब्जाजार जी ब्लाक में होता था, और उसका रेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, और वो मैंने आपको एक दो दफ़ा दिखाया भी हुआ है, मैंने वो जो कैट वाली एक वीडियो अपलोड की थी जब मरकज गया था, तो वो है पहले वो जगह थी, लेकिन अब वो नहीं है, वो जो है उसका रेंट बहुत ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से फिर तहरीके लबैक पाकिस्तान ने अपना मरकजी दफ्तर वहाँ पर कर लिया। उसकी ख़ास वजह देखें आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि तहरीके लबैक पाकिस्तान कितनी मुखलिस है। देखें, उसका रेंट बहुत ज़्यादा था, साद भाई ने कहा कि नहीं, मतलब जब रेंट हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते यार, इतनी बड़ी तहरीक हो, इतने लोग मोहब्बत करने वाले हों, क्या दे नहीं सकते? दे सकते थे, लेकिन साद भाई ने कहा नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इतने लाख रुपया हम उसका रेंट दें। तो डैट्स वाई ये कुछ बातें थी जो बताना भी ज़रूरी था। फिर शाह साहब ने वो कर दिया जो भी मैंने वीडियो में दिखाया। अब ये ठोकर से जब हम नीचे उतरते हैं, मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी जिस तरह से मैंने समझाया कि पहली गली के अंदर दूसरी गली की पहली गली, दूसरी गली, नहीं मुझे खुद भूल गया, तो आपको क्या समझ आया, दूसरी गली की पहली गली, हाँ दूसरी गली की पहली गली का जो कॉर्नर वाला जो घर है वो जो है इसी मकसद के लिए बनाया गया है। अगर कोई लाहौर आता है तो रहने के लिए अगर जगह नहीं होती, वो ज़रूर वहाँ पर जो है वो रह सकते हैं, और जितने भी लोग आते हैं, लेकिन अभी जो है कोशिश यही है कि मरकज़ी जगह जो है ना वो मरकज़ के करीब ही हो,
ताकि लोग आए, तो इतनी दूर वो पड़ जाता है ना ठोकर से, इधर की साइड पे काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टेंस बन जाता है। तो अभी सोच रहे हैं कि मरकज़ के करीब जगह मिल जाए, तो आप भी दुआ करें, तो हम भी दुआ करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला फिर जो भी जगह होगी वो भी ज़रूर दिखाएंगे। तो ये सारी बात थी, ये सारा वो घर का मामला था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको ज़रूर शेयर करें कि अगर कोई दूर दराज से आता है, यार ये मेन प्रॉब्लम होती है। लेकिन मस्जिद में भी रिहाइश है कि आप रात को मस्जिद में स्टे करते हैं, तो वहाँ पर जो है वो नाइट गुजार सकते हैं बकायदा तौर पर, वहाँ पर बिस्तरे कंबल हर चीज़ मौजूद होती है। तो बस यही कुछ था। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक भी करें, कमेंट करके बताएं कि आप कभी ठोकर से इस साइड पे आए भी हैं कि नहीं। तो बाकी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि यार मेन प्रॉब्लम रहने की होती है, नाइट गुजारने की होती है, तो आप लोग वहाँ पर इजीली स्टे कर सकते हैं। तो घर में आपने देखा है कि बर्तन भी घरेलू बर्तन रखे गए हैं, तो ये तो लोगों की तहरीक लबैक के साथ मोहब्बत है।